ये तो एज ए लाइक रिटायरमेंट की तरह होता है, लेकिन मैं आज का टॉपिक आपको बताऊंगा प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जितना दिन उसने फर्म को सर्विस दिया है, सेवा किया है, उतने दिन की प्रॉफिट तो मिलनी चाहिए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने पर यदि उसका डेथ होता है तो 2 महीना या 3 महीना या 4 दिन या 70 दिन, 50 दिन, जितना दिन वो फर्म का सेवा किया है उतने दिन की प्रॉफिट उसे मिलनी चाहिए। क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या जर्नल होते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। एसके सिंह के बुक से पेज नंबर मैंने दे दिया है, आप उसे आराम से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताने का अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। ABC पार्टनर है, इनका रेशियो इक्वल यानी 1/3, 1/3, 1/3, तीन पार्टनर हैं तो रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। ओके, आगे 31 दिसंबर एवरी ईयर को इनका खाता बंद हो जाता है। जब 31 दिसंबर को खाता बंद होगा तो खुलेगा कब सर? तो खाता खुलेगा 1 जनवरी। जब दिसंबर में खाता बंद होगा तो जनवरी में खुलेगा। बढ़िया। ई का डेथ हो जाता है 31 मार्च 2019। जब 31 मार्च को इसका डेथ हो जाता है यानी इसने फर्म को कितना सर्विस दिया? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने फर्म को सर्विस दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट के आधार पे, 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो पहले एवरेज निकालना होगा, तब उसके हिस्से का प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। आइए ध्यान देते हैं कैसे जर्नल देंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? आपके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 8,000 प्लस 11,000 और प्लस कितना दिया है, 3 साल की प्रॉफिट और लास्ट में 17,000। बढ़िया। और इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना से, 3 से, यानी कि 36,000 बट्टा में 3 कट कर देने पर आ जाएगा 12,000। बढ़िया ना। उसके बाद क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ए का डेथ हो जाता है तो शेयर ऑफ ए का हिस्सा कितना होगा? 12,000 का 1/3, तीनों पार्टनर बराबर थे ना, और टाइम कितना हुआ है सर? 3/12। मार्च में उसका डेथ होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना फर्म का वो सर्विस दिया, सेवा किया। 3 से 3 कैंसिल, 12 से 12,000 1,000, यानी कि इसका हिस्सा कितना हुआ सर जी? 1,000। बढ़िया। अब क्या करना होगा, इसके लिए एक जर्नल देना होगा। क्या जर्नल हम देंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बढ़िया। और 2 में लिखना होगा जो पार्टनर का नाम है जो मर गया है, 2A कैपिटल अकाउंट, और रकम कितना भरना है? 1,000, जितना उसको मिलना चाहिए। उसके बाद बैंक में बैंक द अमाउंट पेड, उसको अमाउंट पेड किया जाएगा, पेड। बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर, हमारे स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बात और, इसके जैसा ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके जैसा एकदम ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के जैसा है लेकिन उसमें रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो नहीं दिया है तो हम समझेंगे कि इक्वल पार्टनर है यानी 1/3, 1/3, 1/3। तो उसमें भी पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। उसमें किसका डेथ होता है सर? जिसका भी डेथ हो उसमें श्याम का डेथ होता है, उसके बाद श्याम का हिस्सा निकाल लेंगे। हाँ, याद रहे जहाँ मैंने यूज किया है 3/12, तो आप यूज करोगे 2/12, क्योंकि 2 महीने के लिए तो 2/12 ही यूज करना होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आप किसी डेथ पार्टनर का प्रॉफिट निकालना चाहें तो यूं मिनटों में निकल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी वीडियोज आपको पसंद आई होगी। यदि आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको अच्छे लगे
तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारी यह चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा, आपके सारे प्रॉब्लम दूर करेंगे कॉमर्स के। आप हमें कमेंट्स करें, कॉल करें, तो आपको इस तरीके से सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।